छठा अध्याय नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवर्षे काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, मैं अपनी मां का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पाश से जकड़ रखा था। वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी मां के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी मां गौ दुहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया, उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौंरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेंठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गईं। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी, भूखा तो था ही। वहां एक नदी मिली, उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है,
बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए से कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझमें स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो रहे। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्प्रिहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे यकायक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकार्णव के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेट कर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठादि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूं। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था, वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। आहा, ये देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये शारंग पाणि भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ साथ इस त्रिता पतप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं।